आता मी थोड्याशे शेंगा जोडणार आहेत कारण की चांगली भाषा बोलून बोलून मी कदरलो. हॅलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ. तो गाइस यहाँ पर हम लोग यहाँ अभी महाराष्ट्र के संभाजीनगर के कुलतवाद इस गाँव में, और आप देख सकते हो गाइस ये जो कमान दिखाई दे रही है, इस कमान के अंदर से जाना होता है सुलीभंजन के लिए. यहाँ से गाइस आगे जाने के बाद दो रास्ते हैं, यहाँ पर आप गड़बड़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई पुलिस बोर्ड पर आपको एक बांध दिखाई देगा, उस तरफ आपको जाना है. थोडस मराठीत संभाषण करणार आहेत कारण की हिंदीमध्ये बोलायला या थोडस मला अनबॅरेसिंग वाटतं. शिवू शकता थोडेसे शेंगा जोडणार आहेत कारण की चांगली भाषा बोलून बोलून मी कदरलोय. आता कोण ही लोक, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल ना मित्रांनो, सब्सक्राइब करना विसरू नका. संभाजी नगर से 30 किमी दूरी पर सुलीभंजन दत्त धाम है, जहां पर दत्तात्रेय प्रकट हुए थे. इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. सुलीभंजन एक धार्मिक एवं उत्तरगर्भ में पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है. सुलीभंजन दौलताबाद के देवगिरी किले के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा गाँव है. स्थान की महिमा का वर्णन काशीखंड, मध्य पुराण, श्री दत्त प्रभो, नाथ चरित्र जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के प्राचीन ग्रंथों में किया गया है. दत्तात्रेय मनस्थान त्रिगुण पावन इस पर्वत को सुलीभंजन, सूर्य भंजन, शुली भंजन जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है. यह स्थान ऋषि मार्कंडेय का अभ्रण्य था. ऋषि मार्कंडेय की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव द्वारा मृत्यु के संकट को टालने की कथा शुली भंजन और सूर्य भंजन ग्रंथों में है. और गाइस यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जिस पत्थर से आपको अलग अलग जगह से अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है. तो गाइस मिलते हैं किसी नए और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय.